स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस समय मैं खड़ा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला कहे जाने वाले सहारनपुर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज हो गया है और इसका आगाज करते हुए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली रैली जो की है वो सहारनपुर में की है। लिहाजा मैं पहुंच गया हूँ सहारनपुर के देवबंद में। देवबंद अपने आप में एक बड़ा सेंटर माना जाता है और पूरी दुनिया में देवबंद की एक अलग पहचान है। लिहाजा आज के शो की शुरुआत देवबंद से। सबसे पहले मेरे साथ देवबंद की एक बहुत बड़ी जनता है, तालियों से अपना स्वागत करिए आप लोग और उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनाव प्रचार के अभियान शुरू किए हैं, लेकिन देवबंद वालों के लिए क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा, क्या सोच रहे हैं आप? हमारा विकास का मुद्दा है। हाँ। और विकास जो है इस 5 साल में विकास नहीं हुआ। हाँ। इससे जो पहले 5 साल था हाँ। उसमें पूरा विकास हुआ है। इससे पहले 5 साल जो थे वो भी तो योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ तो 6.5 साल से, उससे पहले पांच साल कौन से? अखिलेश जी वाले 2012 से 17 तक के विकास हुआ। और बहन जी वाले में 7 से 12 वाले में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ 12 से 17 वाले में विकास हुआ। आप ठाके देख लीजिए अखिलेश यादव की सरकार में आपको लगता है विकास हुआ? क्या ये सही बोल रहे हैं? अच्छा, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहारनपुर में थे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू ना दंगा, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा। सब चंगा है उत्तर प्रदेश में? सब बढ़िया है? बढ़िया चल रहा है, सरकार अच्छी चल रही है। जी भाजन कहिए। बढ़िया चल रहा है। क्या होना चाहिए और क्या सोचकर इस बार वोट देने जा रहे हैं आप लोग? विकास होना चाहिए। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। जी हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या आप लोग के लिए, क्योंकि हम लोग देवबंद में खड़े हैं और देवबंद की पहचान अलग है, लेकिन बीच बीच में लोग देवबंद का बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं, कैसा लगता है जब देवबंद का नाम लोग कुछ लोग खराब करने की कोशिश करते हैं? विकास महाव्याली जी ने कराया है। हाँ। पिछले चेयरमैन जो ये पिछले चेयरमैन थे। हाँ। हमें योगी जी की तरफ से पैसा खूब आया। हाँ। पैसा खूब आया। हाँ। लेकिन शहर में नहीं लगा। अच्छा, यहाँ के चेयर योगी जी के नियत में तो खोट नहीं है ना? आप लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा भेजा? पूरा पैसा भेजा पूरा, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा। चंदे से सड़क बनी है। हाँ। योगी जी को और बदनाम किया गया। हाँ। यहाँ के चेयरमैन। अच्छा, आप लोग क्या इस बार बदलाव ला रहे हैं? क्या योगी जी के आदमी को ला रहे हैं तो क्या भाजपा को जिता रहे? नहीं, समाजवादी पार्टी महाव्याजी। अच्छा, क्योंकि उससे पिछले सरकार तो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, डबल इंजन की सरकार चाहते हैं तो शासन तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है, तो आप भाजपा समाजवादी पार्टी को जितवाएंगे तो डबल इंजन की सरकार कैसे आएगी? ट्रिपल इंजन वाली। हम माविया अली को देवबंद के लिए जितवा रहे। देवबंद का जो विकास करता है माविया अली जी करता है, देवबंद के लोग भी उनसे प्यार करता है। क्या इस बार अल्पसंख्यकों के लिए नगर निकाय चुनाव में अतीक अहमद कोई मुद्दा है कि नहीं है? कोई मुद्दा है? हाथ उठाकर बताइए। अतीक अहमद से कोई किसी को सिंपथी है? अतीक अहमद का मुद्दा कुछ नहीं है। अतीक अहमद का जो हुआ वो मामला एक अपनी जगह है। ये चुनाव का मामला है। हाँ। हम चुनाव पे बात करेंगे। अतीक अहमद का जो मामला था। हाँ। वो उसका हो गया वो मुद्दा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना कर्फ्यू ना दंगा, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा। सब चंगा है उत्तर प्रदेश में? सब ठीक है, सब बढ़िया, सब बेहतरीन है। कोई बढ़िया कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? एकदम आप लोग संतुष्ट है? ओके, बिल्कुल सब बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मिजाज था ये सिर्फ अभी हमने आपको देवबंद दारुल उलूम के बाहर जो माहौल है वो दिखाया, लेकिन अभी बहुत सारे माहौल ऐसे हैं जो अब तक लाना जरूरी है। आइए मेरे साथ चलते हैं शहर में, लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव में क्या है मूड और क्या है माहौल। गलियों में जब आप आएंगे तो बहुत सारे ऐसे लजीज खाने आपको मिलेंगे जिसको देखकर आपके पैर ठिठकने को मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ देखिए क्या कुछ है। भैया क्या क्या बेच रहे हैं आप लोग? चाट पानी बताशे। अच्छा, यहाँ तो लेकिन मैंने देखा ये मुर्गा खाने वाले शौकीन ज्यादा हैं। चाट पानी भी कोई पूछता है बीच में? चाट तो बहुत चलती है, बहुत चलती है। तो चाट चल रही है, चुनाव में मुद्दा भी कुछ चल रहा है क्या? चुनाव का मुद्दे के बारे में नहीं मुझे पता है। अच्छा, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी आए थे सहारनपुर में, आपके बहुत कुछ बोल कर गए, कुछ आप तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं, मेरे पास कोई पहुंच। क्या मुद्दा है वैसे आपके से? मुझे कुछ नहीं पता है। तो आप बनाने वाले को तो मुद्दा नहीं पता, खाने वालों को मुद्दा पता है कि नहीं है? जो विकास नहीं हुआ उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार है या मौजूदा चेयरमैन जो बसपा से ताल्लुक रखते हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं? मैं गवर्नमेंट की बहुत कमजोरी रही है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसमें। विकास भी नहीं हुआ है और एक तरफा जो है पॉलिसी होती है,
एक तरह का हिपोक्रेसी वाली बात है, हिपोक्रेसी वाली बात है। इत्र की तरह सरकार का काम महक रहा है कि नहीं महक रहा है? नहीं, संतुष्ट है आप? नहीं सर। तो क्या इश्यूज है आपके लिए, क्या मुद्दा है यहाँ पर? जब आप टोपी खरीदने लोग आते हैं, तरह तरह की टोपियाँ आपने रखी हैं, प्लास्टिक वाली टोपी, कपड़े वाली टोपी, रंग बिरंगी टोपी, तो क्या मुद्दे भी इसी तरह के हैं, अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग कलर्स के? जी जी। मोबिन भाई ये बताइए कि निकाय चुनाव में क्या माहौल है, क्या मुद्दा है और कैसे कर रही है सरकार काम? काम बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया कर रही है। अच्छा, लाइट भी बढ़िया आ रही है, बेदिन फुल आ रही है लाइट। अच्छा, बढ़िया लाइट आ रही है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गुंडों का सफाया कर रहे हैं। और लाइट बढ़िया आ रही है, क्यूआर खोल कर सो रहे हैं आदमी, बेफिकर सो रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सुरक्षित। योगी जी ने कहा नो कर्फ्यू नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा, सब चंगा है। आधी रात को निकल जाओ बिल्कुल बेफिक्र, चाहे लेडीज निकल जाओ, कोई निकल जाओ, कोई वो कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो योगी जी के कामकाज से संतुष्ट है? संतुष्ट है जी। ट्रिपल इंजन योगी जी ने कहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, उधर मोदी जी, इधर योगी जी और निकाय चुनाव में भी भाजपा, तो आप लोग तैयार हैं क्या इसके लिए? नहीं आएगी सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी इंशाल्लाह, बीजेपी की सरकार आएगी। यहाँ भी मतलब केंद्र से लेकर राज्य से, राज्य से लेकर निकाय तक बीजेपी ही बीजेपी, बीजेपी बीजेपी। अच्छा, ऐसा क्यों, इतने खुश क्यों हैं आप लोग? जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा रुके, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है, कुछ कह रहे हैं? नहीं जी, बस इतना रखा जो बात है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं जी, मजा आ गया जी, मजा आ गया। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मैं तो सुरक्षित हूँ। कुछ लोग अतीक अहमद के जो हत्या हुई उससे नाराज है, आप लोग नाराज, आपको लगता है नाराज? भैया ना अतीक अहमद भी जानते हैं, हमें नहीं पता है क्या मामला है, बहुत अच्छा हो रहा है। अतीक अहमद वाले केस से आप लोग खुश हैं? अतीक अहमद को जिस तरह से मारा गया, क्या मुसलमानों में नाराजगी है? भाई हम तो जानते नहीं अतीक अहमद कौन था जी, हम तो हम नहीं जानते अतीक अहमद को, अतीक अहमद को हम नहीं जानते कौन था, आप लोग नहीं जानते। दारुल उलूम के बाद अब हम शहर के मुख्य हिस्से में आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दुकानों के बाहर खड़े हैं और चर्चा सिर्फ निकाय चुनाव की हो रही है। तो क्या हो रहा है भाई साहब आपके सहारनपुर में? कल तो योगी जी आए थे और कहा ना कर्फ्यू ना दंगा, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा, सहारनपुर में क्या चंगा है सब कुछ? देखिये सहारनपुर में सबसे बड़ी बात यह है कि हम व्यापारी हैं, आम जनता हैं, योगी जी का राज है, सब कुछ मतलब कोई बाहर निकलना, जैसे हमारे यहाँ देवी मेला लगा है, रात को 12 बजे आ रहे, 1 बजे आ रहे, कोई समस्या नहीं है, व्यापार एकदम बढ़िया है, कोई रंगदारी नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है, विकास की गंगा चारों तरफ है, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए हमें? ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, बड़ा अचीवमेंट है। आपको लगता है कि सरकार ने कुछ ऐसा बेहतर किया है कि ट्रिपल इंजन की बात कही जा रही है वहां पर मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी और निकाय चुनाव में भी भाजपा की बात कही जा रही है, लेकिन देवबंद में आज तक खाता नहीं खुला भाजपा का? इस बार जरूर खुलेगा। हाँ, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं। हाँ, जनता के लिए। हाँ, जो यहाँ पे दंगे कर्फ्यू वो सब चीज लगती थी, वो अब जब कुछ नहीं होता है। अच्छा, अतीक अहमद एक बड़ा फैक्टर है, कई सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि सरकार ने मरवा दिया, कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस ने मरवा दिया, कुछ कह रहे हैं बदमाशों ने मरवा दिया, सहारनपुर में अतीक अहमद को लेकर क्या माहौल है? अतीक तो अपने कर्मों से अपना मरा है, जैसा कोई करेगा ऐसा भरेगा, उसमें सरकारी कोई सरकार जो अच्छा करी सरकार, तो क्या माहौल है व्यापारियों के लिए, क्या माहौल है ये बताओ? सब बढ़िया माहौल है यहाँ तो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, योगी जी का फैक्टर काम कर रहा है? योगी जी आए थे, बड़ा संदेश देकर गए हैं। बिल्कुल, योगी जी का फैक्टर बिल्कुल काम कर रहा है, योगी जी है, मोदी जी है, विकास चारों तरफ है, चारों तरफ है, लेकिन कुछ लोग नाराज कह रहे हैं सड़कें खुदी पड़ी हैं, नालियां खुदी पड़ी हैं, विकास नहीं हुआ, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। देखिए कभी भी हर किसी को संतुष्ट करना किसी भी सरकार के बस का नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, 6 साल पुरानी घटना है, देवबंद के एक सराफा व्यापारी को दिन के 11 बजे गोली मार दी गई थी, और गोली मारने के बाद सारे अपराधी कैराना चले गए थे, पुलिस को भी पता था, सबको पता था, और ये बात लोकसभा में माननीय सांसद हमारे थे राघव लखनपाल शर्मा, उन्होंने उठाई थी। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी को एक डंडा भी मार दे, गोली तो बहुत दूर की बात है, ये केवल योगी राज में हुआ है, और ये योगी राज में व्यापारी और आम जनता इतनी खुश है कि वो कुछ भी मतलब करने के लिए तैयार है। अच्छा, कुछ बदलाव हुआ है इस सरकार में, जैसा मायावती में था, जैसा अखिलेश में था, वैसा ही है या वाकई में जमीन पर कुछ बदला है? बहुत अच्छा हुआ। हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। इसकी सरकार में मुझे ऐसा लगा कि हम जी रहे यहाँ पे। मैं अखिलेश की सरकार में देखा, मैंने गुंडागर्दी इतनी ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा। हाँ। लोग बाग आते थे, यहाँ जाम लगा दिया, तोड़फोड़ कर दी। इस सरकार में कोई नहीं करेगा ऐसा। इतनी अच्छी सरकार लगी, मतलब हिम्मत नहीं है? नहीं। अच्छा, पहले सहारनपुर में लोग बताते बदमाश बहुत होते थे, बदमाश बचे हैं कि नहीं अभी? अब कोई नहीं है। अब सारी बदमाशी कहाँ गई बदमाशों की? अंदर। अंदर। कौन से अंदर? जेल में। जेल में चले गए? किसने डाला जेल में? योगी ने। योगी जी ने जेल में डाल दिया? योगी जी ने। योगी जी ने सब
अच्छा तो वोट डालने जाएंगे नगर निकाय चुनाव में तो मुद्दा क्या होगा? विकास होगा, गुंडागर्दी होगी, रंगदारी होगी, माफियावाद होगा, क्या होगा? जब वोट गिरेंगे विकास को अपना हो जाएगा फिर। अच्छा, जब वोट गिरेंगे भाजपा में नहीं, विकास को अपना हो जाएगा फिर। तो आप लोग पूरा मूड बना चुके हैं इस बार भाजपा पूरा 100%। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है भाई साहब, बताइए क्यों ऐसा लग रहा है आपको? तब खाता खुलेगा हमारे यहाँ पे। अच्छा, देवबंद में 70 साल मैंने हुआ देवबंद में, वो इस बार होने पहली बार होने जा रहा। अच्छा, ऐसा लग रहा है? ऐसा होगा, 100% होगा, 100% होगा। लेकिन ऐसा क्या जो कहा जा रहा है जमीन पर चुनाव में ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो यहाँ की जनता से पूछना है। कुछ और इलाकों में कुछ और वॉइसेस और कुछ और लोगों का मत आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देवबंद की प्रसिद्ध जगहों में मां बाला सुंदरी का मंदिर भी आता है। इस वक्त हम उसी प्रांगण में मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे दर्शनार्थी हैं जो यहां पर आए हुए थे मां बाला सुंदरी के दर्शन करने, लेकिन चुनाव पर चर्चा हो रही है मंदिर के अंदर भी। क्या कुछ सोचते हैं महाराज जी, ये बताइए, आप बिल्कुल भगवा में नजर आ रहे हैं तो आपसे पूछने की आवश्यकता तो नहीं है कि वोट कहां गिरेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा माहौल क्या है, चुनाव कैसा हो रहा है, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ से गुंडागर्दी समाप्त कर दी है। इसी बेस पर सभी जो है उसे उन्हें वोट दे रहे हैं। अच्छा, वोट देंगे, वोट देंगे, वोट देंगे। तो निकाय चुनाव में आप लोग के लिए मुद्दा क्या है? गुंडागर्दी, रंगदारी, माफियावाद, विकास, क्या मुद्दा है? सबसे मुद्दा यही है कि इन्होंने योगी जी ने गुंडा माफियावाद समाप्त कर दिया है। सबसे बड़ी यही इन्होंने जीत की है। अच्छा, और बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और हम आगे भी वोट इन्हीं को देंगे। आने वाले 2024 में भी वोट मोदी जी को ही दिया जाएगा। मोदी जी को, मोदी जी और योगी जी दोनों फैक्टर चल रहा है। अच्छा, निकाय चुनाव तो छोटा चुनाव होता है, तो क्या मोदी जी वाले भी फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल वही काम कर रहा है। जो भैया योगी मोदी योगी की जोड़ी बना के रखेंगे। ऐसा क्यों? बस हमारे दिल से उन्हें दोनों दिल में बसते हैं उन पर ही समर्पित हैं। लेकिन देवबंद जहां पर हम खड़े हैं वहां से आज पिछले 70 सालों में आज तक भाजपा नहीं जीती, इस बार कैसे जीत जाएगी? पूरी कोशिश करेंगे, जीतेंगे। हमारा विश्वास है अब के यहां से चेयरमैन इलेक्शन भी जीतेंगे। देवबंद से हम चेयरमैन इलेक्शन भी जीतेंगे। देवबंद में स्पेशली कैसा माहौल है? और एक बात जो कही गई, रंगदारी, गुंडागर्दी, क्या वाकई में पिछले की सरकारों में गुंडागर्दी रंगदारी बहुत था? बिल्कुल खत्म, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दी बेटी जो है सुख शांति से है, कोई भी ऐसा ऐसी चीज नहीं है कि कोई रात को दी बेटी जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म, बिल्कुल समापन है गुंडागर्दी। और यहाँ मेला लगा हुआ है, आपने देखा ही है, यहाँ समापन हो रहा है। मेले में भी जैसे हम पहले मेला भरता था तो अत्यधिक छेड़छाड़ लड़कियों के साथ तो बड़ा कुछ देखने को मिलता था, पर लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल समापन की ओर है और आतंकवाद तो बिल्कुल खत्म ही हुआ। अभी अतीक अहमद लुढ़क गए, अब कुछ और माफिया है वो भी मिट्टी में मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल श्रेष्ठ हो रहा है काम। मिट्टी में बाबा जी ने मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया, बिल्कुल मिट्टी में बाबा जी ने मिला दिया, बिल्कुल मिला। अतीक अहमद भी मुद्दा है क्या देवबंद में नगर निकाय चुनाव में? अतीक अहमद कोई मुद्दा है? मुद्दा तो है पर इतना नहीं है मुद्दा, क्योंकि जो माफिया था अब तक ही परेशान रहे हैं काफी लोग इस चीज से, सभी ज्यादातर परेशान थे, पर अब इस सरकार में पता चल रहा है कि माफिया राज बिल्कुल ही खत्म हो जाए। माफिया राज खत्म हो गया बाबा जी? बिल्कुल खत्म। खुश हैं आप लोग योगी जी से? खुश हैं जी। और अखिलेश जी से है जी? अखिलेश यादव कैसा काम कर रहे थे? बिल्कुल बेकार काम कर रहे थे जी। गुंडा भगवा पहन रखा है इसलिए तो नहीं बोल रहे? हम इसलिए नहीं बोल रहे जी, हम तो यहीं के लोकल ही रहने वाले हैं, भगवे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ का माहौल ही बहुत गुंडागर्दी का था, अभी आगे सुधरा है। अन्य यादव जिनमें एसडीएम कोर्ट की दीवार तक के तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, राइफल तक के छीन ली, जब कुछ नहीं हुआ, ये गुंडागर्दी नहीं से पहले कि अब तक किसी के रैपट भी नहीं कोई मार सकता।